धनबाद सोमवार को अमन सिंह हत्याकांड मामले में जांच करने धनबाद पहुंचे जेल आईजी उमा शंकर सिंह ने सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने बताया कि रविवार को मंडलकारा धनबाद में जेल के अंदर गोलीबारी की एक घटना में हॉस्पिटल वार्ड में संसिमित कैदी अमन सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई। गोली मारने वाले की पहचान सुंदर महतो के रूप में की गई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर जिला के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद जिला प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ पहुंचे एवं स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए अविलंब घायल कैदी अमन सिंह को SNMMCH में बेहतर इलाज के लिए भेज गया, जहां डॉक्टर द्वारा कैदी अमन सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद जिला प्रशासन एवं जेल प्रशासन द्वारा अलग अलग टीम बनाकर सभी वार्डों, सेलों एवं पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 6 मोबाइल और 18,000 रुपए बरामद हुए। उन्होंने बताया कि मौके पर स्थिति को संभालते हुए जिला एवं जेल प्रशासन द्वारा कैदियों में आपसी टकराव एवं गैंगवार की संभावना को देखते हुए अलग अलग गुटों के कैदियों को फौरन अलग अलग सेल में बंद किया गया। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा ADM लॉ एंड ऑर्डर, अपर समाहर्ता, सिटी SP की त्रिस्तरीय समिति बनाकर संपूर्ण घटनाक्रम एवं सुरक्षा में चूक की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। राज्य स्तर से कारा निरीक्षणालय के द्वारा सहायक कारा महानिरीक्षक 1, सहायक कारा महानिरीक्षक 2 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी कारा निरीक्षालय की त्रिस्तरीय समिति बनाकर जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा CCTV फुटेज की जांच एवं वार्डों सेलों में सघन छापेमारी के लिए 24/17 टीम का गठन कर मंडल कारा में प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज की जांच के दौरान उक्त घटना में प्रयुक्त हथियार को ट्रेस करते हुए कारा परिसर से 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। उक्त घटनाक्रम में कुल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही हॉस्पिटल वार्ड में घटनास्थल की बैरिकेडिंग करते हुए उसे सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं जेल प्रशासन के द्वारा वैसे पदाधिकारी कर्मी को चिन्हित किया गया है जिनकी लापरवाही से उपरोक्त घटना घटी। इसे गंभीर चूक मानते हुए उक्त घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले 2 कक्षपालों एक्स आर्मी मैन की संविदा रद्द कर दी गई है। वहीं 5 कक्षपालों को निलंबित करते हुए इन्हें केंद्रीय कारागार हजारीबाग में उनका मुख्यालय निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है। मंडल कारा धनबाद में कक्षपालों की कमी को देखते हुए 7 कक्षपालों को अन्यत्र जेल से मंडल कारा धनबाद में पद स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जेल मंडल कारा धनबाद मुसद्दकीम अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित एवं स्थानांतरित करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया है। मंडल कारा चतरा के जेल को तत्काल प्रभाव से मंडल कारा धनबाद के जेल के रूप में पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए जेल सुपरिटेंडेंट मंडल कारा धनबाद एवं उपायुक्त की अनुशंसा के आलोक में कुल 23 कैदियों को राज्य के अन्य कारा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, परंतु मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी DCLR, जिला पुलिस के वरीय पुलिस पदाधिकारी DSP लॉ एंड ऑर्डर को डे टू डे मॉनिटरिंग एवं गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला पुलिस धनबाद द्वारा आरोपी सुंदर महतो की रिमांड के लिए न्यायालय को अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में न्यायालय ने कुल 5 दिनों का रिमांड दिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ के क्रम में डिटेल जांच के पश्चात स्थितियां और स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, हम लोगों ने एक विस्तृत प्रेस नोट रिलीज किया है पूरे घटनाक्रम को लेके, और घटनाक्रम में क्या क्या अब तक कार्रवाई हुई है और फर्दर और हम लोग किस किस दिशा में आगे कार्य करने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत प्रेस नोट रिलीज कर दिया है। सारांश ये है कि जिला प्रशासन के द्वारा भी और राज्य स्तर से भी 3 सदस्यीय टीम कारा निरीक्षणालय की ओर से हम लोगों ने भेजा था। स्वयं IG प्रिजन, मैं और हमारे IG CID साहब भी आए थे हम लोग निरीक्षण करने के लिए। सभी बिंदुओं पर जांच की गई है। जो एक्शनेबल पॉइंट हैं, सबसे पहला तो ये है कि जो हमारी लापरवाही दिखी है जेल मैनुअल्स के आलोक में, जो नियमों का पालन किया जाना चाहिए था उसमें लापरवाही कर्मियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेलर को निलंबित हम लोगों ने किया है, उनकी जगह पे अन्य जेलर को हम लोगों ने पदस्थापित किया है। जो घटनास्थल था उसको प्रॉपर हम लोगों ने सैनिटाइज किया है बैरिकेड करते हुए। राउंड द क्लॉक हमारी 3 टीम बनी हुई है जिला प्रशासन के द्वारा, जो लगातार हर वार्ड को चेक कर रही है। एक अलग से डेडिकेटेड टीम है
जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कर रही है, हर एक फुटेज की जांच कर रही है। जो हथियार प्रयुक्त हुए थे वो काफ़ी सघन प्रयास के बाद, सघन छापेमारी के बाद बरामद कर दिए गए हैं। कुल हम लोगों ने 4 FIR दर्ज किए हैं जिला प्रशासन ने एंड जेल प्रशासन ने मिलकर। पुलिस अपने स्तर पर अलग से जांच कर रही है। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए DC साहब ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सर को अनुरोध किया है और हमारी जो टीम बनी है और जिला प्रशासन की ओर से जो टीम बनी है वो डिटेल इसके ऊपर जांच कर रही है। जांच के बाद और भी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, कर्मी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारी चीज़ें स्पष्ट कर।